ठीक है, देखिए यहीं पर समझना है। आर टू में एम से गुणा कर रहे हैं और उसको आर वन में ले जाकर जोड़ रहे हैं, ठीक है। आर टू में कितना से गुणा है और उसको किसमें जोड़ा गया, तो यह प्रॉपर्टी कहता है कि किसी रो में गुणा कीजिए और किसी दूसरे रो में ले जाकर जोड़िए या घटाइए। किसी कॉलम में अगर गुणा करते हैं तो किसी दूसरे कॉलम में ले जाकर जोड़िए या घटाइए, मान लो बात ना हो, ठीक है। तो आर टू में गुणा किए हैं तो आर वन में ले जाकर जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, इसलिए दो ही रो का यह डिटरमिनेंट है ना। अगर तीन रो वाला रहता, तीन ऑर्डर का रहता, तो आर वन में अगर गुणा करते तो ले जाकर आर टू में जोड़ते या आर थ्री में जोड़ते, ठीक है। आर टू को ऑप्शन, लेकिन यहाँ तो थ्री ऑर्डर का है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए सी थ्री में गुणा करें, अगर तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो तो या तो सी वन में ले जाकर जोड़ेंगे चाहे जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि इस तरह के काम करने से मान में बदलाव। और इस प्रॉपर्टी में फायदा क्या है, कौन वाला प्रॉपर्टी में गुना कर रहे थे तो भाग देना पड़ता है, इसमें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी में गुना करके दूसरे में ले जाकर जोड़ देना है या घटा देना है तो भाग नहीं करता और मान में कोई बदलाव, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चलिए इस रूप से हम काम करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा है। तो इस रूल के अनुसार दूसरा एक डिटरमिनेंट हम बना रहे हैं, क्या करना है, तो इसमें जब एन से गुणा करेंगे तो यह होगा सी एन, यह होगा टी एन, बोलिए जी। और इस दोनों को ले जाकर ऊपर जोड़ देना है, हम कहूंगा आर वन प्लस एन आर आर टू में सेकेंड रो में गुणा करके फर्स्ट में ले जाकर जोड़ना है, यानी कि क्या क्या होगा, ए प्लस यहाँ क्या होगा बी प्लस, कोई दिक्कत। और यह सी और डी हमने इसमें जब हम एन से गुणा कर रहे हैं तो जो हो जाएगा अलग अलग